भी जिन्हें दिन दिहाड़े शरेआम डकैतियां हो रही ने, शरेआम लुटांग सुटां हो रही ने, कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कला बंदा शरेआम आके दुकान से पिस्तौल दिखा के गन पॉइंट से मतलब 10 मिनट वो बंदा दुकान के अंदर रहता है, कोई उन्होंने किसी का भय डर नहीं है, उस तरीके लुट सुट की, फिर मुंडा अंदरों मुलाजम उठ के आ गया, उन्होंने भी कहता काका बिच ना नहीं मैं गोली चलानी पी, कहता बंदे को पैसे कर दे मैं गोली मार दूंगा, किसी की कोई गारंटी नहीं, सारा इतने सिस्टम फेल है। कहने वाली तो कोई गल नहीं, सब के सामने साफ ही है, जाहरी है गल भी जिन्हें दिन दिहाड़े शरेआम डकैतियां हो रही ने, शरेआम लुटां कसूटा हो रही ने, कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं, तो दिन दिहाड़े लुटां कसूटा शरेआम पिस्तौल की नोक ना डकैती हुई है, दिन दिहाड़े कल्ला ही बंदे की देखो जरूरत, दुकान के विच चार जने ने, एक मुलाजम अंदर बैठा है, दो लेडीज मुलाजम पौड़ियां बैठिया ने, तो मालकन ये सीट पर बैठी है, कला बंदा शरेआम आके दुकान से पिस्तौल दिखा के गन पॉइंट से मतलब 10 मिनट वह बंदा दुकान के अंदर रहता है, तो कोई उन्होंने किसी का भय डर नहीं है, तो उस तरीके ने लुट खसुट की, सारी वीडियो सब के सामने है, तो बहसदा रहा लेडीज नाल, उन्हें मोबाइल में हाथ लाया, मोबाइल खोलिया, फिर मुंडा अंदरों मुलाजम उठ के आ गया, उन्होंने भी कहता काका बिच ना नहीं मैं गोली चलानी पऊ, मजबूरन साइड पर रह, फिर लेडीज पौड़ियां उतर के आई, फिर नहीं परवाह मनी लेडीज जी मालिक थी, उन्हें कहा भी मेरे को पैसे नहीं है मैं घरों लिया है, कहता बंदा पैसे कर दे मैं गोली मार दूंगा, तो मतलब के इन्ना मतलब के उन्होंने कोई किसी का डर भै नहीं सी, मतलब के दहशत के नाल पूरी गुंडागर्दी, कला बंदा हो के मतलब के उन्हें किसी गल की परवाह नहीं की, जिनी देर उन्हें गले चो पैसे नहीं ले, मतलब के उतों हिलया नहीं, चाहे मिन 2-4-5 मिनट होर भी लग जाते, फिर भी उन्हें परवाह नहीं की, रात ही इस ही 10 गाना चढ़ के 40 फुटी गली च 4 बंद ने एक लेडी की चैन लाई लुट खसुट की, हूँ आह वारदात, तो हूँ इतने ये नहीं पता भी घंटे इतने नेड़े तेड़े कोई होर वारद हो दात हो जाए, किसी की कोई गरंटी नहीं, सारा इतने सिस्टम फेल है, तो गल्ला जीरो रेंट होलरेस वाली गल् जी भगवंत मान सरकार करती है फेल है, गल लुट का मसला नहीं, गल पैसे 10-12 हज़ार से इतने जो 10 करोड़ हों 10 लाख हों उन्हें लै जाना सी, जे कि ना देंदे या लेडीज़ को पता सी मान लो पैसे थोड़े ने, जो उन्होंने पता होंगे मेरे को लखा करोड़ रुपये ने जा 10 लाख रुपये उन्हें देना नहीं सी, उन्हें गोली मार देनी सी, यह जी अपनी बसाती की गारमेंट की होलसेल की दुकान है, गोयल ब्रदर का नाँ है, ये मालिक ने लक्की लक्की जी गोयल, ये अपने गीता भवन के कोले पैंदी है, मतलब पूरा यह शहर का क्रीम एरिया जिथे आले दुआले दुकाना ने 24 घंटे इतने मतलब लोग लंघते टपते हैं, गीता भवन मंदिर है नेड़े 20 टोटल है, तो हर मतलब कि इतने मतलब शहर का पूरा वो है, जे इतने अजिंह लुटा खुटा होंगे तो भगवंत मान को कह देना चाहिए है भी मेरे हाथ खड़े ने भी लोगों पंजाब छड़ दो जिते जाना जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वालों ना पुलिस आ गई लगे हुए डिप्टी साहब भी आए थे, हूँ आपका जिन्ने जोगा उन्होंने को सिस्टम है लगे हुए ने कर, पहला भी यह कोई गल्ला बातें जहां हुई हैं, पुलिस ने चलो सहयोग दिता जिहा पुलिस को सिस्टम है, अदरवाइज सरकार पूरी तरह फेल है। मेरा नाम जी अश्विनी कुमार है, साड़ी दुकान है गीता भवन के कोल गोयल ब्रदर कॉस्मैटिक की दुकान आ, इत्थे 3:05 से एक बंदा आया, वो अंदर बड़िया वह मूल पेटा हुआ सीगा, ऐ नहीं पता भी पिस्तौल वो असली सी नकली सी, आके कहिंदा साडे बाबू जी दे वाइफ बैठे सी, उन्होंने कहिंदा भी जिन्ने पैसे है दे दो, मैं मगर बैठा सी मैं भी आ गया, मैं वीरे बाबू जी है नहीं भी फिर आ जी, कहिंदा वीरे बहस करन का कोई फायदा नहीं तू पाछे होके खड़ जा मैं गोली चला दो, फिर जिन्ने साडे बाबू जी की वाइफ को पैसे सीगे उन्होंने ਕੱਢ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਇਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਰਾਜ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕੱਢ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ।
ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਂਗੇ